आई स्टार्टेड माई जर्नी 2017 से यूट्यूब की जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। इट वॉज 11th of March, इफ़ यू गाइज चेक द कैलेंडर उस टाइम का 11th या 13th मार्च 2017 को इट वॉज होली, राइट। एंड एक टिपिकल यूपीएससी एस्पिरेंट की जैसे जर्नी रहती है कि घर नहीं जाना, तो अभी तो मैं देखता हूँ हर कभी भी कुछ भी होता है बच्चे घर भाग जाते हैं, तो हमारे टाइम में ये होता था कि घर नहीं जाएंगे, दिवाली भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो 11th मार्च 2017 आई स्टार्टेड दिस जर्नी। एक चैनल था यूपीएससी ढाबा नाम से, अभी भी सर्च करोगे वो चैनल वहाँ पे होगा। एंड वो कुछ ऐसा था कि न्यूज़पेपर पाइलअप होने लग जाता है एक दो अटैम्प्ट्स के बाद, और फिर लगता है कि हाउ टू कीप अप विद द न्यूज़पेपर। तो मैंने ये ऑब्जेक्टिव लिया कि कैसे भी हो सुबह 6-7 बजे उठ के अपनी रूटीन बनाने के लिए कुछ बच्चों को फॉलो करवाते हैं, कुछ अपना सिर्फ अपने धर्म से अपना काम स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस का। एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट 17th of March को। एक बहुत बड़ा चैनल आज वो हो गया, नाम है उसका स्टडी IQ। तो स्टडी IQ पे वहाँ के उस टाइम के जो ऑनर थे, तो उन्होंने मेरे को रीच आउट किया, वुड यू लाइक टू टीच एट आवर चैनल सिंस यू आर रेगुलर, तुमने होली पे भी कोई छुट्टी नहीं ली, तो इस तरह का कोई पर्सन चाहिए। तो अब यूपीएससी एस्पिरेंट एक तो बेरोजगारी वाली साइड पे और दूसरा सेल्फ रिस्पेक्ट वाली होता है कि हाँ कुछ करने को मिल रहा है तो चलो स्टार्ट करते हैं जो काम करना है। तो वहाँ से कुछ ये जर्नी स्टार्ट हुई। आई स्टार्टेड डूइंग दी इंग्लिश DNA और 15-20 दिन के लिए किया। तो उसके बाद ये कहा कि तुम्हें इंग्लिश भी करना है। उस टाइम पे टू जस्ट कन्फेस हियर, PPT बनाना एक कॉर्पोरेट वे में वो बिल्कुल नहीं आता था, ना तो PPT बनाना ना कुछ ऐसा। और उस टाइम मैं वर्ड पेपर पे वो लेके कैमरा से इसको रिकॉर्ड करके अपना DNA डाला करता था। तो दे प्रोवाइडेड ऑल द इक्विपमेंट, ही गाइडेड विद मी विद कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, कैसा चाहिए, और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। एंड धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स ये सब बढ़ते चले गए। अपने इस चैनल पर JV's IAS पे नाम इसका पहले जतिन वर्मा कुछ ऐसा हुआ करता था। एंड देन आई वेंट टू अन अकेडमी IAS तैयारी में जतिन वर्मा के नाम से, राइट। कुछ ऐसा एम्बिशन नहीं था कि फॉलोअर्स जुटाने हैं या कुछ ऐसा करना है। इट वॉज जस्ट दैट कि अपना अच्छे से पढ़ाना और अपने लिए पढ़ना है, इसी के लिए ये स्टार्ट किया गया।